इससे पहले कि हम कश्मीर में चलें, कोई आप जहां थे यूएसए उसके बगल में जो कनाडा के बारे में ना थोड़ा बात करेंगे आज, इफ यू डोंट माइंड। ओके हाँ, या आज आज ही तो प्राइम मिनिस्टर उनके प्राइम मिनिस्टर ने वो स्टेटमेंट दिया, फिर भारत ने कुछ एक्शन लिया, फिर वो सब काफी कुछ हुआ आज, हंगामा। या सो वील टॉक ऑफ अ बिट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि कल उन्होंने एक हमारा डिप्लोमेट को एक्सपेल किया है, हमने रिटेलिएट किया है, इसके बारे में बात करेंगे और इसका क्या कहानी है। बट इससे पहले कि हम जो इंडिया कनाडा का जो अभी किस्सा हो रहा है, आई'ड लाइक टू पुट अक्रॉस अ फ्यू इश्यूज एंड पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट अबाउट बिकॉज द होल थिंग इज लार्जली अबाउट द कालिस्तानीज एंड द कालिस्तानी पॉपुलेशन देयर एंड हाउ दे आर बिहेविंग। आई विल गिव सम बेसिक आइडियाज, बेसिक इश्यूज, नॉट ऑल, सम, राइट, चुन के कुछ लिया हूँ, उसके बाद हम वी कैन हैव अ डिस्कशन। आज के दिन सिख्स जो हैं 2.1% ऑफ कैनेडाज पॉपुलेशन, दे आर द फास्टेस्ट गोइंग ग्रोइंग रिलीजियस ग्रुप आफ्टर इंडिया, कैनेडा हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सिख्स और वो आजकल उनके राजनीति में भी आ गए। यहाँ तक ये जो ट्रूडो का गवर्नमेंट है ये सिख माइनॉरिटी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर निर्भर है, जो उसका लीडर है एक सिख। ओके, कालिस्तान मूवमेंट जो कनाडा में है वो तकरीबन 40-50 साल पुराना है, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक 2002 में एक पंजाबी वीकली है टोरंटो बेस्ड और सान सवेरा, उसने इट ग्रीटेड इंडिया इंदिरा गांधी डेथ एनिवर्सरी विद हेडलाइन अर्जिंग रीडर्स टू ऑनर द मार्टियर्स हु किल्ड द सिनेट। ओ, जस्टिन ट्रूडो विजिटेड इंडिया इन 2018 एंड इट टर्न आउट टू बी अ डिप्लोमेटिक फियास्को। व्हाई इट टर्न आउट टू बी अ डिप्लोमेटिक फियास्को, उसका कोई एजेंडा नहीं था, 8 दिन यहाँ घूमता रहा, वो शेरवानी ये वो पहन के अपना पूरा फैमिली के साथ, कोई ये नहीं था। और तो और एक जसपाल अटवाल है हु वाज कन्विक्टेड इन 1986 ऑफ एन अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ अ पंजाब मिनिस्टर विजिटिंग कनाडा उन दिनों में, राइट। और इनका जो एम्बेसडर है, कैनेडियन एम्बेसडर इन इंडिया, ही इनवाइटेड जसपाल अटवाल टू अ रिसेप्शन फॉर ट्रूडो इन दिल्ली। दे हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ हैंड, राइट। एंड यहाँ तक 2020 में ट्रूडो एक्सप्रेस कंसर्न ओवर फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया ओवर न्यू फार्म लॉस एंड सेड हिज कंट्रीज वुड ऑलवेज बी देयर टू डिफेंड द राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट। अभी यहाँ एक और चीज है, रिपुदमन मलिक, हु इज रिपुदमन मलिक, ही वाज द एक्यूज्ड ऑफ 1985 एयर इंडिया बॉम्बिंग, जो मॉन्ट्रियल से आ रहा था फ्लाइट और जिसमें मिड एयर में वो हो गया और बीच में एक टापू में इसका डेब्रीज फेल एंड एवरीवन इन दैट फ्लाइट डाइड, राइट। इट वाज एयर इंडिया बोइंग, इफ यू रिमेम्बर, इट वाज अ हॉरिफिक थिंग एंड दिस मैन गॉट स्कॉट फ्री इन द कोर्ट्स एंड अल्टीमेटली इन 2022 ही वाज शॉट डेड। एंड हाल ही में जस्ट 2-3 months back, June 23, there was a parade organized in Brampton, Ontario, just ahead of the 39th anniversary of Operation Blue Star and Golden Temple, which was there. और इसमें क्या है कि इन्होंने there were floats depicting and honoring Blue Star and all that. So अगर आप देखेंगे तो ये background अगर आप देखेंगे, lot of Sikhs went to Canada to make their life, which is good, no problem. बट लॉट ऑफ कालिस्तानीज ऑल्सो वेंट देयर। ये नहीं कि हर कालिस्तानी सिख है या हर सिख कालिस्तानी, ये मैंने बोल रहा हूँ, बट कालिस्तानी काफी गए, राइट। और काफी हद तक कनाडा गवर्नमेंट हैज बीन सपोर्टिंग द कालिस्तान पीपल ड्यू टू देयर रोल। आई वुडंट से दे वर सपोर्टिंग द कालिस्तानी मूवमेंट, बट डेफिनेटली दे वर गिविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर टू द कालिस्तानीज ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज। And now it has come to a head कि एक हरजीत सिंह निज्जर है जिसको, he was also shot 2 months back. And now this whole story has happened. The Canadian government has said they have credible allegations. It's allegations can't be credible. Credible allegation that India was involved in this, and so they expelled a diplomat. They have not named the diplomat, and we have done the same thing immediately. तो इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, एक तो हमारी
कुछ दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात थोड़े बहुत सेंसिटिव रहे हैं, वजह आपने बता दी। हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को ये मंजूर नहीं है कि वहाँ पे सिख की आबादी काफ़ी बड़ी है। आपने कहा कि भारत के बाद सबसे बड़ी आबादी कनाडा में है सिखों की। अब उसके अंदर जैसे आपने ठीक से कहा कि ये नहीं कि वो सारे खालिस्तानी हैं, लेकिन जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं उनको इंडिया के बाहर, भारत के बाहर एक माहौल मिल रहा है जहाँ पे उनको एक्टिव सपोर्ट अगर आप ना भी कहें तो, लेकिन कोई मनाही नहीं है अपनी कार्रवाई करने में। तो पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है क्योंकि वो एक बड़े, काफ़ी बड़ी वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे। तो जैसे कश्मीर में ज़्यादा पहले होता था, अभी भी होता है कि जो देश के लिए बोलना चाहता था उनकी आवाज़ दबा दी जाती थी उग्रवादियों के द्वारा, सेपरेटिस्ट के द्वारा। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो खुल के बोलने नहीं देते हैं। तो यानी कि जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है वो हावी हो जाता है। एक तरफ तो ये है एक बैकग्राउंडर की ये वजह है हमारे हालात में, ये एक इरिटेंट रहता है और टाइम टू टाइम ये लीडरान आपस में इसके ऊपर बातचीत चर्चा करते हैं। जब जस्टिन ट्रूडो इनके G20 के लिए आए थे तब एक दो ऐसे वाक्य हुए जिससे कि उनकी विजिट पे सवालिया निशान उठाए गए उनके देश में। एक तरफ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये उनसे ये बात बिल्कुल सटीक तौर पे ये बात उठाई कि आपने आप जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो शय मत दीजिए, उनको बढ़ावा मत दीजिए बल्कि उनको पकड़िए। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की। तो यानी कि वो उन्होंने ऐसा एश्योरेंस नहीं दिया कि हम ठीक कर देंगे, जस्टिन ट्रूडो ने एक किस्म से कुछ लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की, यानी कि बातचीत, इन्होंने अपना पॉइंट रखा, उन्होंने अपना पॉइंट रखा, ऐसी बातचीत हुई। फिर वो कुछ अलग बात है कि उनके हवाई जहाज का भी टेक्निकल स्नैग हो गया, उनको एक दिन एक्स्ट्रा रहना पड़ गया, जिससे कि एक किस्म से उनकी विजिट अच्छी विजिट नहीं मानी जा रही थी बैक होम इन कनाडा। और जबकि ऐसा हो गया उसके बाद एक्स्ट्रा दिन रहने पड़ गया। हालांकि हिंदुस्तान, भारत ने मेज़बानी से अपनी ठीक से दिखाई, हमने प्लेन भी ऑफर किया कि हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एयर इंडिया का प्लेन देते हैं, लेकिन वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने अपना टेक्निकल स्नैग ठीक होने का या एक वहाँ से दूसरा जहाज आने का इंतज़ार किया, तो एक दिन एक्स्ट्रा उनको यहाँ एक डेढ़ दिन एक्स्ट्रा रहना पड़ गया। तो ऑल इन ऑल ये सब, और एक और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है, यानी कि कनाडा की पब्लिक ने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री ने उनको, भारत ने प्रधानमंत्रियों की आपस की बायलैटरल मीटिंग नहीं दी। हम थोड़ी सी एक डिप्लोमेटिक लेवल होता है मीटिंग का, एक होता है बायलैटरल मीटिंग, उसका एक स्टेटस होता है, और ये इनका एक पुल साइड था, मतलब इनका एक थोड़ा सा उसका दर्जा कम था मीटिंग का। व्यवहारिक तौर पे मीटिंग वैसे ही होती है जैसे होती हैं, लेकिन इसका स्टेटस थोड़ा अलग है। तो ये सब चीज़ों के चलते जब वो वापस पहुँचे हैं अपने देश, अब उसके बाद जाहिर तौर पे तो शायद ऐसा लगता है, ये मेरा मैं सोच रहा हूँ कि जस्टिन ट्रूडो इस विजिट से खुश नहीं रहे, और उनके अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखाने के लिए उन्होंने फिर कल ये कदम उठाया। या मतलब ये भी नहीं कि प्रधान अपने विदेश मंत्री को बोल दिया या फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा डिप्लोमेटिक चैनल से ये चीज़ की है, आमतौर पर ये चीज़ें डिप्लोमेटिक चैनल से होती हैं, लेकिन उनका प्रधानमंत्री उनकी पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में खुद खड़ा होकर स्पीच देता है कि इन्होंने ये जो निज्जर का मर्डर है ये भारत ने करवाया है। मतलब ये तो एक बहुत बड़ा लांछन है, और इसके लिए कोई सबूत नहीं दिया। आपने भी वो अल्फाज इस्तेमाल किए, एलिजेड क्रेडिबल एलिगेशन, तो आपने कहा मतलब दैट्स एन ऑक्सीमोरन की क्रेडिबल भी है और एलिगेशन क्यों है, क्रेडिबल क्रेडिबल एक्ट है। सो ऑल इन ऑल ये एक डिप्लोमेटिक इश्यू बन गई है, और जाहिर है कि ये डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में हमेशा होता है कि वो टिट फॉर टैट होता है, और फिर दोबारा मतलब वही
क्यूपीक्यू बोलते हैं, वो क्यूपीक्यू एक्शन जरूर प्रोको एक्शन था और फिर इंडिया ने भी ऐसे करना था। लेकिन बड़ी बात मैं इससे अंत करना चाहूंगा, बड़ी बात यह है कि जब अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जो वाक्य मैंने बताया, आपने तो बैकग्राउंड दिया, मैंने पिछले दो हफ्ते का एक हफ्ते का वाक्य बताया जो क्या क्या हुआ। अब मेरे को नहीं लगता जब तक जस्टिन ट्रूडो रहेंगे प्रधानमंत्री हमारे हालात सुधरने की संभावना कम लगती है। अब वो अगला इलेक्शन कब है मुझे एक्चुअली याद नहीं है, मेरे ख्याल से अगले साल है, शायद 2025 तक है उसका। हाँ शायद वो till 2025 he's made a deal with the opposition that he can continue till 2025 with a minority government. चलिए अगर कोई और बीच में political happening ना हो जाए, जब तक ये रहते हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि हमारे रिलेशनशिप में, इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप में सुधार आने की संभावना है। और क्यों न सिर्फ यही चीजें जो मैंने बताई बल्कि जो हमारी फार्म एजिटेशन हुई थी उसमें भी सिख ग्रुप्स, आपने जैसे बताया कि उसका बड़ा हाथ था, तो वो एक चीज और है जो बड़ी इंडियन पब्लिक को और इंडियन गवर्नमेंट को रैंकल करती है। Yeah, I agree. You know, it is not only all this. You know, the general attitude of Canada has been a little negative. Let me be very honest with you. I'll speak in English because, you know, there is a funny thing. If you and I apply for a visa to Canada, and if you say you served in Kashmir, you might not get a visa. Do you know that? I'm aware. I've been to Canada and I'm aware of this. Aware of this. So there's a problem, you know, they're discriminatory thing. And I agree, the Sikhs form a political community there and they have a political weight and everything. But, you know, if you look at the long-term history of the Canadian view towards India, they have been a little discriminatory and probably they have, I won't say sided, but they have ignored whatever the Khalistani lot have done there. And of course, they've also been a little sanctimonious when they put sanctions on us for nuclear purposes when, you know, long back. So we went having problems. Yes. But mere khayal mein, and I would like your view on this, kuch Sikhs, Khalistan ke jo supporters hai, not all Sikhs again, kuch Khalistani supporters, they are there in even USA. Right? And I feel that this step which we have taken is a strong step. It gives a signal to a lot of people to stop this. And it also gives a signal to USA indirectly he will not accept it. Bilkul, aap theek keh rahe hain. Haan, bilkul, aap theek keh rahe hain. Yeh jo separatist elements, aise tatv jo और देशों में भी हैं, सिर्फ यूएसए ही नहीं, मैं कहूंगा यूके में या यूरोप में, जहां कई जगहों पे ऐसे थोड़े थोड़े पॉकेट्स हैं। यूके में भी एक अच्छा बड़ा तबका है जो एक सपोर्ट करता है, तो इन सबको एक बहुत एग्जैक्ट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है, आपने ठीक कहा। तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अब हर चीज में इंडिया एक मतलब स्ट्रॉन्ग कदम उठाने लग गया है, whether it is militarily, diplomatically, आप या फिर जैसे अब रशिया यूक्रेन वॉर पे हमने अमेरिका की नहीं सुनी, वेस्ट की नहीं सुनी, यूरोप की नहीं सुनी, हमने कहा नहीं हम ऐसे करेंगे और वो चल रहा है अभी तक। तो हर आई एम श्योर इसका एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा। या आई एग्री विद यू एंड आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम अभी तक हम सुनते आ रहे हैं इनके कहानी, अभी पहले बार ये नौबत आ रहा है जब उनको हम बोल रहे हैं कि enough is enough. I think that's the larger thing and which I would like to you know, put across. If there's anything else on this, fine. Otherwise, we'll get back to Kashmir. चलिए, let's चलें कश्मीर चलते हैं. Yeah, right. So let's get to Kashmir and let's talk about Kashmir.